हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका स्टेजिंग ऑफ कैंसर के बारे में है कि आप कैसे समझेंगे कि आपका जो स्टेज वन कैंसर है उसमें क्या लक्षण होते हैं और इसकी क्लिनिकल स्टेजिंग किस प्रकार से की जाती है, और उसके अलावा स्टेज टू, थ्री और फोर भी क्लिनिकल स्टेजिंग किस प्रकार की जाती है। तो जैसा कि इसको जानने के लिए जो है एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम लोग कहते हैं TNM क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्यूमर के साइज से प्लस लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट से और मेटास्टेसाइज हुआ है कि नहीं इस चीज़ से जानते हैं कि ट्यूमर का जो ग्रेडिंग है या फिर क्लासिफिकेशन है वो आपका स्टेज वन में है, टू में है, थ्री में है या फोर में है। तो किसी भी ट्यूमर के साइज को देख करके अगर उसकी स्टेजिंग दी जाती है तो उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और जब ट्यूमर का साइज जो है आपका 2 सेंटीमीटर या उससे छोटा होता है तो हम इसे स्टेज वन में रखते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें कि स्टेज वन जो है, जो आपका स्टेज वन कैंसर है, इसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल जो इवेल्युएशन करते हैं तो उसमें इसका नाम होता है वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो जब आपके ट्यूमर का साइज छोटा होगा यानी कि 2 सेंटीमीटर या उससे भी छोटा होगा तो आपका जो ट्यूमर है वो आपका स्टेज वन में रखा जाएगा और ऐसे स्टेज में आपके लिम्फ नोड की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यानी कि जो रेलेवेंट लिम्फ नोड है आपके नेक के, सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, गैस्ट्रिक लिम्फ नोड या फिर जुगलो ओमोहाइड, जितने भी तरह के लिम्फ नोड हैं वो आपका इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे जब n की जो वैल्यू है वो 0 होती है, यानी n जो डिनोट होता है वो आपके लिम्फ नोड के लिए, तो स्टेज वन में आपका सिर्फ ट्यूमर जो है वो बढ़ा है और वहाँ पे आपके आसपास के लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है। तो इसे TNM स्टेजिंग में आपका सिर्फ ट्यूमर के साइज को डिनोट करते हैं और हमारा n 0 रहेगा और मेटास्टेसिस भी 0 रहेगा। लेकिन जब ये स्टेजिंग जो है आगे बढ़ जाती है, यानी कि स्टेज टू जो कैंसर होता है उसमें आपका जो है ट्यूमर का साइज भी बढ़ने लग जाता है। तो ट्यूमर का साइज जब बढ़ता है तो यहाँ पे टी को डिनोट करने के लिए आपका जो T1, T2 इस तरह से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और जब ट्यूमर का साइज बढ़ेगा तो ये मोर देन 2 सेंटीमीटर या लेस देन 4 सेंटीमीटर हो सकता है। और यहाँ पे मैं लिम्फ नोड की बात करूँ स्टेज टू में, तो अभी तक आपके स्टेज टू में भी लिम्फ नोड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे ट्यूमर जिसमें कि आपके लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है और आपके ट्यूमर का साइज बढ़ा है तो भी यहाँ पे जो सर्वाइवल रेट अगर आप देखेंगे तो सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। जैसा कि स्टेज वन में 85% केसेज में मोर देन 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, वहीं पे स्टेज टू में भी सर्वाइवल रेट आपका अच्छा है। लेकिन जैसे ही ट्यूमर जो है बड़े साइज का हो गया है और वहाँ पे लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, यानी कि जब इसकी बायोप्सी की गई और जब आपका सर्जिकली रिमूव किया गया आपके कैंसरस पार्ट को, तो वहाँ पे जब लिम्फ नोड का एग्जामिन हुआ तो लिम्फ नोड में अगर कुछ मैलिग्नेंट सेल्स पाए गए हैं, यानी कि लिम्फ नोड पॉजिटिव है, यानी लिम्फ नोड में भी वहाँ पे आपके जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं लोकल साइट से लिम्फ नोड तक पहुँच गए हैं। तो जब ट्यूमर जो है लोकलाइज नहीं रहा और वहाँ से कुछ मैलिग्नेंट सेल्स जो है स्केप आउट हो गया है और वो आपके रीजनल लिम्फ नोड तक पहुँच गया है, यानी कि रीजनल लिम्फ नोड सिर्फ आपका इन्फ्लेम नहीं हुआ है बल्कि वहाँ पे मैलिग्नेंट सेल्स पहुँच गए हैं। इन्फ्लामेशन और मैलिग्नेंसी दोनों में डिफरेंसेस हैं। जैसे स्टेज वन कैंसर में आपका कोई भी लिम्फ नोड में आपके मैलिग्नेंट सेल्स नहीं पहुंचते हैं, वहीं पे स्टेज टू में भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन स्टेज थ्री में आपका लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पे TNM की जब स्टेजिंग की बात करेंगे हम, तो आपका टी का वैल्यू भी बढ़ेगा, साथ में जो एन ज़ीरो था वो आपका एन वन हो जाएगा, तो और मेटास्टेसिस यहाँ पे 0 रहेगा स्टेज थ्री में। लेकिन अगर ये और ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुँच गया, यानी कि ट्यूमर का साइज भी बढ़ गया और जो आपके लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट हैं वो N1 से N2 में चला गया या N2A में चला गया, तो इस तरह से जब लिम्फ नोड ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी
कि पहले जिस तरफ ट्यूमर था उसी तरफ के लिम्फ नोड इन्वॉल्व थे, लेकिन जैसे ही एन का नंबर बढ़ रहा है यानी कि जो होमोलेटरल इन्वॉल्वमेंट था वो हो सकता है लिम्फ नोड का बाईलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो, और ये एक असेसमेंट होता है। और सही में इस चीज़ को पता करने के लिए जब आपका मैलिग्नेंट लीजन रिमूव होता है और रेडिकल नेक डाइसेक्शन होती है, तो वहाँ से जो पैथोलॉजिकल साइट से जब लिम्फ नोड को रिमूव किया जाता है और उसको जब देखा जाता है ऑन्कोपैथोलॉजी में, तो फिर हमें पता चलता है कि लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्या वो N1 है N2 है, और इसके आधार पर आपकी जो डिजीज़ है उसके लिए आपके डॉक्टर्स जो है सजेस्ट करते हैं कितने रेडिएशन और कितने कीमोथेरेपीज होंगे। तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे ब्रीफ कर रही हूँ आपको कि स्टेज 4 में क्या होगा। तो स्टेज 4 में जो आपका लिम्फ नोड है वो भी इन्वॉल्व होगा, आपके ट्यूमर का साइज बड़ा होगा, प्लस जो आपका मेटास्टेसिस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। मेटास्टेसिस से मेरा मतलब है जो लिम्फ नोड ने कैप्चर करके मैलिग्नेंट सेल्स को रखा था वहाँ से भी मैलिग्नेंट सेल स्केप आउट हो जाएंगे, और जब ये मैलिग्नेंट सेल स्केप आउट हो जाएंगे तो रीजनल लिम्फ नोड के जितने भी आसपास के एरिया है वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि ये आपका जो मीडियास्टिनल लिम्फ नोड है एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाए या फिर अलग अलग ऑर्गन में पहुँच जाए, तो इसे हम लोग मेटास्टेसिस करते हैं। और जो कैंसर के पेशेंट में मेटास्टेसिस होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका प्रोग्नोसिस जो है कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अर्ली डिटेक्शन से आपका जो बीमारी है वो कंट्रोल में रहता है, और आपका जो है डायग्नोसिस अगर अर्ली हो जाता है तो आपके ट्रीटमेंट के जो आउटकम है, जैसा मैंने कहा कि स्टेज 1 में 85% चांसेस हैं आपके मोर देन 5 ईयर सर्वाइवल रेट और एटलीस्ट 5 ईयर सर्वाइवल रेट, तो वो आपका सही से वहाँ पे आपको इलाज मिल पाएगा स्टेज 1 में। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, लेकिन थोड़े वास्ट टॉपिक है तो आप इसको एज ए ब्रीफ यहाँ पे समझ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।